तो देखिए दोस्तों, यहाँ फिर से पानी अभी इन्होंने ठीक किया था यहाँ पे, और फिर से पानी की स्थिति के पीने। देखिए दोस्तों, नदी भी बहुत ज़्यादा आ गई है यहाँ पे। ये देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ऊपर से पिछले साल पूरी आपदा आई थी, और यहाँ पे भी भूस्खलन हुआ था, और इस बार भी देखिए यहाँ पे तो एक तरफ से गाड़ी रोक रही है और एक तरफ से जा रही है गाड़ियाँ। तो किस प्रकार से यहाँ पे बारी बारी करके छोड़ी जा रही है, कभी इधर से तो कभी उधर से। और ये आ रही तो मोड़ के लगे तो देखिए भैया से कहा मैंने, तब जाके मेरी स्कूटी उधर निकाल रहे हैं। मेरे को तो पानी में लगता है डर। मॉर्निंग दोस्तों, मैं ममता रावत भूमि उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, और आज फिर अपने न्यू ब्लॉग के साथ दोस्तों आज आई हूं मैं आमसोड़ और पांचवी मील का जायजा लेने। तो आपको भी दिखाती हूँ यहाँ की क्या स्थिति है। तो चलिए दोस्तों, दिखाती हूँ आपको यहाँ की स्थिति। तो फिर यहाँ पे अभी मलबा काफ़ी आ चुका था, तो फिर अभी साफ़ किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ फिर से पानी अभी इन्होंने ठीक किया था यहाँ पे, और फिर से पानी की स्थिति के पीने लायक पानी रह नहीं गया। यहाँ पे काफ़ी गंदा पानी आ रहा है यहाँ से ऊपर से। यहाँ पे एक दीदी गई अभी, तो दीदी बोल रही है कि अभी यहाँ पे कल पानी बनाया और आज फिर पानी की स्थिति यही हो गई। तो आमसोड़ वालों के लिए फिलहाल पीने के लिए भी पानी नहीं है यहाँ, देखिए तो काफ़ी ख़राब स्थिति हो गई आमसोड़ की। तो अभी एक बारिश आई और ये देखिए ऊपर से पूरा मलबा नीचे रोड पे आ गया था, और यहाँ पे सफाई हुई। तो देखिए दोस्तों, आधी मिट्टी उस पार और आधी इस पार लगा रखी है, और काफ़ी ख़राब स्थिति हो गई यहाँ आमसोड़ वालों की। बहुत ही परेशान हो रखे हैं यहाँ पर लोग भी। तो अब धूप आ गई, फिलहाल तो यहाँ पे सफाई हो गई है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार यहाँ पे रोड़ों की हालत हो गई है। देखिए दोस्तों, नदी भी बहुत ज्यादा आ गई है यहाँ पे। ये देखिए काफी भारी भरकम पानी आ रहा है ऊपर से, और नदी का पानी भी बिल्कुल ऐसा मटमैला पानी आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ऊपर से पिछले साल पूरी आपदा आई थी, और यहाँ पे भी भूस्खलन हुआ था, और इस बार भी देखिए यहाँ पे पूरा ये टूट गया ऊपर से पूरा। देखिए यहाँ नीचे पर देखिए दोस्तों, आज फिर पांचवी मील की वही स्थिति हो गई, फिर यहाँ पे टूट गया, और यहाँ पे काफ़ी जनता खड़ी हो गई है, और यहाँ पे जाम लग। तो देखिए दोस्तों, आज पांचवी मील की हालत क्या हो गई। एक तरफ से गाड़ी रोक रही है और एक तरफ से जा रही है गाड़ियाँ। तो किस प्रकार से यहाँ पे बारी बारी करके छोड़ी जा रही है, कभी इधर से तो कभी उधर से। तो ये है पांचवी मील के हाल।
देखिए दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे मेहनत जाम लगा हुआ था। और अंकल जी कोई घूम गाड़ी चलाने नहीं दे रहे ना, मेरे को मार गिलाते आप। दो दिन गाड़ी चलाने का रोक रखा है यार, वो उतर रही थी तो बात अलग थी, अभी सब गाड़ियाँ चढ़ रही है अंकल, चालू हम तो चला लेते। हाँ ये दोस्तों, फिलहाल तो इधर गाड़ी था दुबड्डा साइड की तरफ से गाड़ी रोक दी गई है इधर से। और ये देखिए नदी का बहाव देखिए बहुत ही तेज होते जा रहा है, और अभी उधर से खोल गई है गाड़ियाँ ये मगर निकला नहीं। और ये अरे तो मोटर के लिए तो तो देखिए भैया से कहा मैंने, तब जाके मेरी स्कूटी उधर निकाल रहे हैं, मेरे को तो पानी में लगता है डर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत भयानक स्थिति बन रखी है, ये देख सकते हो आप किस प्रकार से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे लग रहा था जाम। फिर जो देखिए दोस्तों, यहाँ की स्थिति भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ भी सड़कें टूट गई हैं, किनारे किनारे से पूरे नीचे चले गई हैं। और ये देखिए आज यहाँ नदी भी काफ़ी उफान पे है, काफ़ी भारी भरकम नदी आ रही है, ये देख सकते हो। ये देखिए नदी किस प्रकार से भारी उफान में है, और लोगों का आना जाना फिर भी बराबर लग रखा है। तो देखिए दोस्तों, सिद्धवली के समीप भी खतरा बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी रोड काफ़ी पिछले साल टूट गई थी, और ये थोड़ा सा रह गई, यहाँ पे भी बहुत ही ऊपर चट्टानों से पत्थर गिर रहे हैं नीचे को, तो काफ़ी खतरा बना हुआ है यहाँ पे। और ये सिद्धवली वाली नदी भी देख सकते हो आप किस प्रकार से नदी अपनी पूर्ण बहाव में आ चुकी है, ये देखिए। ये देखिए किस प्रकार से गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पर।
तो दोस्तों पहुंच गए हम घर। तो आज का ब्लॉग इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ।